ये वाली दवा की एक घूंट मार ली। एक घूंट का मारे आधु घूंट तो यहाँ इधर है बाराती, मतलब जहाँ बारात आने वाली है। और तो शादी के बाद हम आ गए हैं गुरुड़ाबाज स्टेडियम में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और सुबह सुबह का टाइम, धूप आती, हम लग गए अपने कामों की ओर। और आज भी मौसम साफ है, बादल नहीं है। कल भी मौसम साफ था, शाम के टाइम फिर बादल आ गए थे, पर सुबह से मौसम साफ था। और कल हमने गेहूं सारे चूरने के बाद अंदर रख दिए हैं। अब जो बचे कुचे हैं उनको आज करेंगे, तो इसका काम भी फाइनल होने वाला है। और राधा लगी है गोठ में, रुद्रान सोया है, अम्मा गई है ऊपर वाले खेत में गेहूं काटने के लिए, और मम्मी गई है खेतों में। पापा ग्वाला चले गए हैं सुबह सुबह, क्योंकि सुबह ठंडा रहता है, दिन होते होते फिर धूप बढ़ जाती है, तो फिर ज़्यादा तेज़ गर्मी भी होने लगती है। तो मुझे जाना है आज निमंत्रण इधर देवली, मतलब हमारी ग्राम सभा है, ग्राम टीकरी है वो भी, पर तोप अलग है, तो देवली है वहाँ का नाम, रोशल देवली, तो वहाँ जाना है, वहाँ बारात आ रही है। कल शाम पापा ने पानी समझकर ये वाली दवा की एक घूंट मार ली। एक घूंट का मारे आधु घूंट तो यहाँ तो किले किले, मगर नींद आई में मैं पानी बहुत धर जाई भी, वो जाग में तो धरी बताएल किले धरो का मैं अपन चुपाई ना लाज में बने गए क्या चुपाई ने। अच्छा आल पेट का शुरू था बैग खिती में मेरे गांव ने बहुत। ओ मस्त है यू में ये तू सी हो। ओ मस्त है यू थूक पर आज एक घुटुक में वहाँ भतर नहीं गए हुए बाद जो थूक लास्ट में तो खराब गौ पीड़ भलगा रखा एक बात से कर खाया ने काटी रहने वाले हूँ आमा जड़ा हूँ उन्होंने क्या लो फट नहीं लो कॉल जो फासु मतलब चढ़ा पड़ना है थे सब पैटर्न को सब चढ़ा पड़ते हुए लिखो तो वहाँ पैटर्न हुआ नारान नारान बंदो खाए खाए अदू बहुत हो सब गलती में बाकाय पे बाबू ताई बेटा गेला जला मैं पानी देरी पे वो ढीक ना देरी बता तो चांद जे के छे तो अभी हाल को नहीं अच्छा टाइम हो रहा है अभी 10 और इतनी तेज धूप हो गई है अभी से ही, और हल्के से बादल भी दिखने लग गए अब डेली ऐसे ही हो रहा है। सुबह के टाइम अच्छा मौसम है, फिर दिन में बादल लगने लग जा रहे हैं। और मम्मी लोगों ने अभी से खाना रख दिया है, और मैं जल्दी से तैयार होता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद तैयार होता हूँ, फिर चलते हैं निमंत्रण। और आज ये भी चूरने वाले हैं सब, फाइनल होने वाला है गेहूँ का काम। इधर की साइड मौसम साफ है, पर रोड में रोड से चलेंगे सीधे निमंत्रण। लगे हम लोग बाराती बाराती कहा रहे निमंत्रण, और ये लोग आ नहीं रहे, थोड़ी देर में आएंगे शाम के टाइम में, हम लोग पहले ही जा रहे हैं। ये हमारा दिनेश जो दिल्ली से आया है। कैसा लगा दिनेश जी? वहाँ ठीक लगा। ठीक लगा, गर्मी तो नहीं हुई थी वहाँ? गर्मी भी हुई हुई थी, तभी तो घर को भाग के आ गया। भाग के घर को आ गया है तो हम लोग जा रहे हैं। ढूंढता रह गया है मालिक, ढूंढने में रह गया मालिक, ढूंढने में रह गया इसको, ये घर पहुंच गया कह रहा है भाई। चलो चलते हैं अब सीधे निमंत्रण। इधर है बाराती, मतलब जहाँ बारात आने वाली है, और हम लोग बैठे हैं इस पेड़ के नीचे, और बारात आ रही ऊपर रोड से, थोड़ी देर में पहुँचने वाली है देवली। Yeah.
शादी के बाद हम आ गए हैं गुरुड़ाबाज स्टेडियम में, और ये है तहसील, और ये वाली रोड जो गई है वो अल्मोड़ा को गई है, और ये वाली रोड हमारे घर जागेश्वर को, और यहीं पे चला है जागनाथ महोत्सव जो शायद आज ललित मोहन जोशी जी आ रखे हैं, और देखते हैं कौन आ रखे हैं। ये है प्रवेश गेट। 10 दिन का मेला है और इस मेले को आप लोगों ने सहयोग देकर बढ़ाया है, और हम हर साल इस मेले के इसी ग्राउंड में भव्य आयोजन की ओर ले जाएंगे, जो आप लोगों के बीच शायद एक गांव के एरिया में इस मेले का अलग ही रूप देखने को आप लोगों को मिलेगा। आते आते टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं, और आजकल 6 बजे भी उजाला ही रहता है, 7-7.30 बजे अंधेरा होता है। सुबह से कहाँ 12 बजे तो हम गए यहाँ से, उसके बाद हम गए थे जागेश्वर महोत्सव पर जो गुरुड़ाबाज स्टेडियम में लगा हुआ है, उसके बाद मार्केट आए, फिर अपने घर को आ गए। देखिए आज तो हल्के बादल लगे हैं, तब जाके हल्का सा अंधेरा दिखाई दे रहा है। घर पहुंच गया हूं, और वीडियो को भी इतना रखते हैं, ऐसा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, और बाय।